अगले हमारा प्रोग्राम बन रहा है जयपुर घूमने के बाद खाटू श्याम जी घूमने का, खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना होगा रिंगस, तो रिंगस जाएंगे, रिंगस जाके खाटू श्याम जी के दर्शन करके फिर हम निकलेंगे घर के लिए। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए हमारे साथ बने रहे ब्लॉग में, और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय बाबा जी। 13 किलोमीटर खाटू श्याम जी यहाँ से। अच्छा, जब तो वो शिव की कावड़ था ना, अब सब जगह ऐसे चल लगे डीजे। शिव की कावड़ में चला ना डीजे, तो अब सब जगह डीजे चलने लगे, मतलब वैसे पैदल यात्रा में। जैसे कि सागुंबर भी आया, पहले सागुंबर पैदल जाते थे। ये तो कुछ भी नहीं, मैं इसको सोच रखा था, मैं 1100 लम्मा 1100 ना पैदल की इतनी भीड़, मैंने कह रहा आनंद आता है देखने में, आनंद कि यार क्या वो है पूरा रास्ता। और जब फागुन का मेला चलता है ना, इस रोड पे जगह नहीं मिला कि वहां से लेकर रिंगस तक इतना वो चलता है वर्क है। और लेडी जी बहुत जाती है, देख नहीं सो, ये सारे पैदल जा रहे हैं ना। हटो कैमरा, हटो नहीं, ये सब जयपुर वाली है, ये कोई हरियाणा वाली होगी। रेशा जी देखो चिंटू क्या कर रहा। ये मेन है भाई, देख ये मेन गेट है, जैसे मतलब वो लग रहा है जैसे इंडिया गेट नहीं होता। हाँ ये मेन गेट है, सबसे ज्यादा सेल्फी सिस्टम यही लेते हैं, अंदर कम लेते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा लेते हैं लोग। तुम्हारी बहन बहन भी यही तो डाल रखी थी, खड़ी करके फिर ले गया फोटो। हाँ ले फोटो खड़ी करके, एज यू विश। ये खड़ी साइड में चुनावी है यहाँ पे, तो भाई ये मेन गेट है यहाँ का, अंदर जाएंगे खाटू श्याम के अंदर से, वहाँ पे होते हैं। बहुत कंजेस्टेड हो गया है आज, मिसल ये ना खाटू श्याम जी के यहाँ पे ना एरिया बहुत कंजेस्टेड हो गया, सब लोगों ने दुकान दुकान शॉप है ना ये सब चीज़ें ऐसे कर लिया ना बहुत ज़्यादा। लेते रहो चलते रहो, जय श्याम बाबा। हमने प्रसाद ले लिया है और दूर से लिया काफ़ी। ये वत्सल्य भवन है, इसका हमें मतलब नहीं पता पर है, मतलब आपको बाद में पता लग जाएगा। तो भाई ये मेन मार्केट है खाटू श्याम जी की जाने के लिए, रोड कच्चा है पैदल जाने वालों के लिए, और भीड़ शाम के टाइम कुछ थोड़ी सी इस टाइम ज़्यादा है, अभी तो ऑफ सीजन है, फिर भी शाम के टाइम ये है कि दिन में गर्मी ज़्यादा होती है। बाहर का ये देखो भाई, लाइन स्टार्ट यहाँ से, लाइन स्टार्ट यहाँ से और वहाँ तक, अभी तो ऑफ सीजन है इसलिए पैदल पैदल जाना है, और वरना वहाँ तक देखो अभी मैं दिखाता हूँ। जय। तो वही लाइन में लगे, लाइन तो है नहीं, भागे जा रहे हैं बस दर्शन के लिए। ये माठू पीछे साथ आया हुआ बंदा। जय नीले घोड़े वाले की, जय मेरे बाबा श्याम की, जय। जो भाई इतनी देर हो गई हमें चलते चलते, मतलब ये देख लो अब ऑन सीजन में कितनी लाइन लगती होगी यहाँ पे, मतलब अभी पीछे देख रहे हो दूर दूर तक, और अभी आधे में आ भी गए हम, दूर दूर तक लाइन मतलब लगती होगी ऑन सीजन में, अभी तो ऑफ सीजन है तो आ सकते हो अभी। वाह, दर्शन के लिए हमें बुलाया बाबा ने। शाम के टाइम है तो अभी गर्मी कम है, दिन में होते तो।
तो भाई ये थोड़ा पास आ गए चल के चल के, और ये देख सकते हो सामने, और ये भागते भागते जा रहे हैं सब। देख रहे हो स्पीड, ये स्पीड देख रहे हो भाग भागते कितनी स्पीड जा रहे हैं, क्योंकि स्पीड जा रहा है इसलिए कि खा के खाली है। तो भाई पहुंच गए हैं, और ये सामने पीछे दर्शन हो रहे हैं, ये श्याम बाबा की पीछे। ये भाई गेट खोल दिया है बड़े, और एक सामने खाटू श्याम जी का मंदिर। ये ब्लोअर है बोला, इसमें ठंडी हवा आ रही है बिल्कुल बहुत ज्यादा चिल्ड। और ये देखो ये भाई एक बार दर्शन हो गया, दोबारा लाइन लाइन लगने की तैयारी है, क्योंकि थोड़ा दूर से दर्शन हुए थे। मंदिर है भाई खाटू श्याम जी का, ये मंदिर है मेन। ये श्री कृष्ण जी का मंदिर सामने, और अंदर मुझे फोन रखना पड़ेगा शायद, क्योंकि सिंगल लाइन है, मुझे खुद के दर्शन करने हैं तो मैं फोन में दिखा नहीं सकता। तो भाई अब दर्शन करके अब घर को ले निकल रहे हैं हम अपनी गाड़ी में। बाय मित्रों, लाइक फॉलो सब्सक्राइब कमेंट शेयर, और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आइए, फैमिली के साथ आइए। और यहाँ पे हमारा ब्लॉग खत्म होता है, अगली बार फिर आएंगे जय श्याम बाबा की।